आप में से काफी सारे लोग ऑप्शन ट्रेडर्स बनना चाहते हैं और काफी सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि ऐसी कौन सी 10 किताबें हैं जो किसी भी सीरियस ऑप्शन ट्रेडर को पढ़नी चाहिए। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है, नोट डाउन करके रखिए, बिकॉज ये किताबें आपको डेफिनेटली हेल्प आउट करने वाली है। मैं रीजन भी बताऊंगा क्यों आपको ये पढ़नी चाहिए। तो चलिए दही भल्ले खाते हुए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहली किताब जो आप लोगों को रेफर करनी चाहिए वो है ऑप्शंस फ्यूचर्स एंड अदर डेरिवेटिव्स, जो कि लिखा है जॉन सी हल ने। देखिए इसमें आपको एक गाइडेंस मिल जाती है अबाउट थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स, बट उसके साथ साथ प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजीज जो आप लगा सकते हो मार्केट में। मेरे हिसाब से ये सिर्फ बिगिनर ही नहीं, इनफैक्ट एक्सपीरियंस ट्रेडर्स को भी एक दूसरा आउटलुक देगी, तो इस किताब को जरूर पढ़िएगा। दूसरी जो किताब है उसका नाम है ऑप्शन वोलेटिलिटी एंड प्राइसिंग, ये शेल्डन भाई साहब ने लिखी हुई है। इसको काफी सारे लोग स्पेसिफिकली हेज फंड्स की दुनिया में बाइबल ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग भी कहते हैं। बाय द वे हेज फंड्स के लिए एक तगड़ा प्लेलिस्ट अपने चैनल पे अभी तक चेकआउट नहीं किया तो जाके चेकआउट जरूर कीजिएगा। यहां पर सबसे बढ़िया एस्पेक्ट जिसके बारे में ये बात करते हैं वो होता है वोलेटिलिटी। आप सभी को पता है ऑप्शन ट्रेडर्स की के लिए वोलेटिलिटी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये वाली पर्टिकुलर बुक उसके बारे में बहुत ज्यादा डिस्कस करती है। एंड प्लस उस वोलेटिलिटी का क्या इंपैक्ट होता है ऑप्शंस, ऑप्शन प्राइसिंग एटसेट्रा। ये इतना ही नहीं, ये साथ में आप लोगों को हेल्प आउट करती है ये समझने के लिए किस तरह से आप एक्सेस कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं अपने रिस्क। जो नेक्स्ट किताब है जो मैंने आज से कुछ साल पहले पढ़ी हुई थी और मुझे काफी अच्छी लगी, आप लोगों को भी रेकमेंड करूंगा, वो है द ऑप्शंस प्लेबुक। जी हाँ, ब्रायन भाई साहब ने ये किताब लिखी हुई है। और ये जो बिगिनर होता ना, जो बिल्कुल नया नया शुरू किया, जिसको बस कॉल पुट ये सारी चीजें पता, उसके अलावा ज्यादा चीजें नहीं पता, उसके लिए बहुत ज्यादा अच्छी चीज है, बिकॉज जो डायनेमिक्स होते हैं किसी भी ऑप्शन ट्रेडिंग के उसको काफी अच्छे तरीके से ये समझाता है और बहुत सारे तरीके की स्ट्रैटेजीज बताता है जो कि रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ आपको हेल्प आउट करता है। बाय द वे और किताबें चाहिए तो कमेंट्स में बुक लिख दीजिएगा, जितने ज्यादा कमेंट्स आएंगे उतने जल्दी वीडियो आएगा। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आप इस तरह के इंटरेस्टिंग एंड इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिस आउट कतई ना करें। नेक्स्ट किताब जो यह है वो है ट्रेडिंग ऑप्शन ग्रीक्स। ट्रेडिंग ऑप्शन ग्रीक्स लिखा गया है डैन परसेली या पासरेली, थोड़े प्रोनाउंस शायद हमने गलत किया है, लेकिन ये ग्रीक्स जो होते हैं ना, जो हम बोलते हैं थीटा हो गया, गामा हो गया, डेल्टा हो गया, वेगा हो गया, इसके बारे में बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताती है। मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, इस किताब को एकदम स्टार्टिंग से मत पढ़ना वरना कंफ्यूज जाओगे। पहले जो मैं सीक्वेंस बता रहा हूं उस हिसाब से अगर शुरू करते हो, उसके नोट्स बनाते हो, उसको लाइव मार्केट में टेस्ट करते हो तो आपके लिए बेटर रहेगा, बिकॉज ये थोड़ा सा टफ आप लोगों के लिए हो जाएगा। एंड ग्रीक्स की अगर बात करें तो ग्रीक्स को आप आसानी से एक्सेस कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो, ऑप्शन चेन देख सकते हो, ऑप्शन स्ट्रेटजीज बना सकते हो, काफी सारी चीजें फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो धन में। जी हां, धन में आपको ट्रेडिंग व्यू के फ्री चार्ट्स भी मिल जाते हैं, अगर इंटरेस्टेड हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और उधर से जो भी अकाउंट खुलता है ना, उसको हमारे थ्रू, हमारे लिंक के थ्रू उनको फ्री बेसिक सेशन का भी एक्सेस मिलता है। तो किस चीज का वेट कर रहे हो, जाके चेकआउट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट जो किताब है वो है ऑप्शन ट्रेडिंग इन योर स्पेयर टाइम। बड़े इंटरेस्टिंग तरह का कंसेप्ट है, वेंडी जी ने लिखा हुआ है। इसमें देखिए क्या होता है कि काफी सारे लोग बोलते हैं कि हमको फुल टाइम ट्रेडर्स नहीं बनना, हमको पार्ट टाइम ट्रेडर बनना है। तो ये किताब काफी सारे प्रैक्टिकल टिप्स और स्ट्रैटेजीज बताती है इंडिविजुअल्स को, जिस प्रकार से वो लोग ऑप्शन ट्रेडिंग को मैनेज कर सकते हैं अलोंगसाइड रेगुलर जॉब्स। तो एक बार आपको थोड़े से बेसिक्स क्लियर होगा, इंटरमीडिएट क्लियर होगा, और आप सोचो कि नहीं मेरे को नौकरी नहीं छोड़नी है, बिजनेस नहीं छोड़नी है, लेकिन ये चीज करनी है, तो इस किताब को, बिकॉज ये स्टेप बाय स्टेप अप्रोच बताएगा। आई नो थोड़ा वेस्टर्न वर्ल्ड से ये इन्फ्लुएंस रहेगा, लेकिन इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी आपको काफी अच्छे से एग्जांपल्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट किताब जो मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगा वो है ऑप्शंस एज अ स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट, ये लॉरेंस जी मैकमिलन जी ने लिखा हुआ है। इसको क्लासिक कहा जाता है ऑप्शन ट्रेडिंग स्पेस में, अगर हम बात करते हैं जिस तरह की हमने बाइबल की बात करी, इसको भी एक क्लासिक कहा जाता है। हर कोई कहता है कि आपको पढ़ना चाहिए, बिकॉज इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है, बेसिक के साथ साथ एडवांस स्ट्रैटेजीज का भी वर्णन किया गया है और साथ में उसके साथ तड़का मिलाया गया है रिस्क मैनेजमेंट का, मार्केट एनालिसिस का। तो इसी चक्कर में इसको बहुत ज्यादा रिगार्ड्स दिया जाता है, बड़े बड़े हेज फंड्स वाले भी इस चीज को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट किताब जो आप लोगों को फॉलो करनी चाहिए वो है द बाइबल ऑफ ऑप्शन स्ट्रैटेजीज, गाय कोहेन भाई साहब ने लिखी हुई है। देखिए ये एक 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 तरीके का गाइड आप लोगों को देगा और आपको हर जो स्ट्रैटेजी है उसको डिटेल में एक्सप्लेन करेगा रियल लाइफ सिनेरियोज लेके, कि अगर मार्केट इस तरह से गैप अप होता है तो क्या होगा, गैप डाउन होता है तो क्या होगा, आप किस प्रकार से ऑप्शन स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं जब वोलेटिलिटी ऐसे रहेगी, वोलेटिलिटी वैसे रहेगी, ये सारी चीजें आपको ये यहां पर हेल्प आउट करेगा। देखिए आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, जब आप ये सारी चीजें समझ रहे हैं तो कुछ एस्पेक्ट्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस भी आपको समझनी पड़ेगी, और उसके लिए स्पेसिफिकली विद रिस्पेक्ट टू ऑप्शंस अगर हम बात करते हैं तो मास्टरिंग द ट्रेड जो जॉन एफ कार्टर ने लिखी है, ये किताब बहुत बेहतरीन है, आपको हेल्प आउट करेगी, इसको जाके आप चेकआउट जरूर कीजिएगा। ऑल्दो ये केवल ऑप्शंस पे फोकस्ड नहीं है,
ये काफी सारे वैल्यूएबल इंसाइट्स आपको देगी टेक्निकल्स के ऊपर, स्ट्रैटेजीज के ऊपर, लेकिन ये धमाकेदार किताब है और आप लोगों को मैं सजेस्ट करूंगा जाके चेकआउट जरूर कीजिएगा। दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू आउट। ये टेक्निकल एनालिसिस के पार्ट भी कवर करती है, चार्ट पैटर्न रिस्क मैनेजमेंट सारी चीजें कवर करती है। बाय द वे ये सारी चीजों को ना हम डिटेल में हिंदी में अपने कोर्सेज में भी कवर करते हैं, लिंक उसका भी आपको डिस्क्रिप्शन में हमेशा मिल जाता है, चेकआउट जरूर कीजिएगा। YT15 यूज करेंगे तो 15% ऑफ भी मिलता है, किस चीज का वेट करो जाके चेक जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट किताब जो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा वो है ऑप्शंस ट्रेडिंग द हिडन रियलिटी। ये लिखा गया है चार्ल्स एम कॉटल ने, जी हाँ चार्ल्स एम कॉटल ने ये किताब लिखी है। ये काफी सारे एडवांस्ड ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज के बारे में बताता है, रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बताता है, किस प्रकार से आप डेरिवेटिव्स को अच्छे से रिस्क मैनेज कर सकते हो, डायनेमिक पोर्टफोलियोज कैसे बना सकते हो। ये जो नॉर्मल हम कन्वेंशनल विजडम होता ना कि केवल मूविंग एवरेज लगाना चाहिए, वीवैप लगाना चाहिए, ये सारी चीजें लगाना चाहिए, इसको बहुत अच्छे तरीके से चैलेंज करता है। और ऑप्शन ट्रेडिंग के जो हम बेसिक्स जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ग्रीक्स की बात करते हैं, ये सारी चीजों को उसको बहुत तरीके से ये चैलेंज करते हैं। तो ये किताब मस्ट रीड है, आप सभी को रेफर करनी चाहिए। एंड फाइनल बुक रिकमेंडेशन, और देखिए आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने पूरी वीडियो देखा ना कमेंट्स में जाके वो 10 पॉइंट मत दिखेगा। इससे क्या होता है कि हम लोग जो एफर्ट्स डालते हैं वीडियो बनाने के लिए वो थोड़े से वेन में चले जाते हैं। तो कृपया करके रिक्वेस्ट है, आप लोग प्यारे प्यारे लोग हैं, अदरवाइज टीम को बोल के वो वाला कमेंट शायद हमको हटाना पड़े सो दैट पीपल कैन व्यू दिस एंटायर वीडियो। तो प्लीज 5-6 मिनट का वीडियो रहता है, फास्ट में भी अगर कोई देखता है 3 मिनट में हो जाता है, तो मत लिखेगा। तो फाइनल किताब है अ बिगिनर्स गाइड टू स्टॉक मार्केट, ये मैथ्यू आर कार्टर ने लिखा है। ये केवल ऑप्शंस के बारे में बात नहीं करता, नाम से ही पता लग रहा है स्टॉक मार्केट के बारे में बात करता है, लेकिन ये काफी ज्यादा इंसाइट्स देता है आपको स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टिंग के बारे में। ये जो फाउंडेशन बनाना है ना ऑप्शंस ट्रेडिंग, स्टॉक ट्रेडिंग, इन सारी चीजों को लेकर आपको हेल्प आउट करेगा। ये वो अननोन किताबें थी जिसके बारे में एक्सटेंसिवली इंडियन मार्केट में लोग बात नहीं करते, बिकॉज बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है, पढ़े ही नहीं है। लेकिन आप एक सीरियस लर्नर हो जो सोचता है कि मैं किताबें पढ़ सकता हूं, बहुत सारे लोग नहीं भी पढ़ते, तो उसके लिए तो हमारा चैनल है ही, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर नहीं कर सकते तो भैया ये किताबें आप जरूर पढ़िए, आपको लिस्ट एक बार वापस स्क्रीन पर सारे 10 के दिख रहे हैं। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।